चार छोटे लड़के वो जोर जोर से डोर हिला रहे और साइड में कोई तो ऐसा व्हाइट ड्रेस में खड़ा है। Before we start the video, do subscribe to my channel and turn on the notification bell so you don't miss any new upcoming videos. So let's begin. कल मेरी नीट की एग्जाम है और मेरे को याद ही नहीं मेरे बुक्स कहाँ रखे यार, कहाँ होंगे? शायद वॉशिंग मशीन में, नहीं यार इधर तो नहीं है, शायद विंडो में, नहीं इधर तो नो चांस, शायद किचन में, नहीं यार कुछ भी रूम में, अरे इधर पूरी रूम फ्रेशनर की बॉटल खाली कर दो यार कोई तो। फाइनली मुझे ये सारे बुक्स मिल गए और ये कहाँ थे? रद्दी वाले के पास। मैंने जस्ट जाके रद्दी वाले से बुक्स लाए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो मेहनत करके 15 रुपये कमाए थे ये बुक्स देके वो सारे गए। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और आज बहुत बड़ा दिन है, आज मेरी नीट की एग्जाम है और देखते हैं वो एक दिन की मेहनत एक दिन की पढ़ाई क्या रंग लाती है। अभी चलो बहुत लेट हो गया, मेरे को भी बहुत ज्यादा काम करने, जेरोक्स निकलने, बहुत बहुत कुछ करना है, तो आपको डायरेक्ट जाते वक्त मिलता हूं। अरे ये तो मैं भूल ही गया, बैंग बैंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपी का सडन ग्रेट इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट व्लॉगिंग। क्या तुम बोलते बोल बोल। इसकी दो जेरोक्स देना, कलर जेरोक्स। मैंने पिछले वीडियो में जो टी शर्ट पहना था वही अभी मैं पहन रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि प्लेन टी शर्ट पहनने गए, सो ये प्लेन टी शर्ट इसलिए मैं यही पहन रहा हूँ। और ब्लैक नहीं अलाउड है, क्या मालूम क्यों, और बेल्ट भी अलाउड नहीं है और शूज भी अलाउड नहीं है, लाइक सीरियसली। चलो निकलते, 2 बजे मेरा पेपर है, 1 बजे का रिपोर्टिंग है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, सो अभी मैं भागता हूँ। आई एम ऑल सेट टू लीव, मेरी लिटरली बहुत फट रही है, क्या मालूम क्यों, कल से ऐसा नहीं हो रहा था, बट सिर्फ 5 मिनट बचे और मेरी बहुत ज्यादा फट रही है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा था। चलो निकल दे, बाय, विश मी लक गाइस प्लीज। अरे यार अभी विश करके क्या फायदा है, चलो जल्दी चलो। नन अमु मल तो हर सुगा अब सच्ची चन्नने पानन दानन इयाकीगा नर पोनन सुंगान इहेगा देसो मेबन या पुरो नर या ने मामुल को बेखार्यो गो टाइमिंग मान। जैसे जैसे मेरा सेंटर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मेरे हार्ट बीट्स फास्ट हो रहे हैं, और मैं सेंटर बताना भूल गया, मेरा सेंटर है DAV आयरोली, सो अभी जस्ट मेरे वो सामने है और मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं मोबाइल अभी पापा के पास दे रहा हूँ और आपको पेपर के बाद मिलता हूँ। सो राइट नाउ इट्स 5 o'clock और जस्ट मेरा पेपर हो गया, बायोलॉजी था ओके था, जब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन खोला तो वो देख के मेरे को, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस कितने अच्छे रहते, कितने स्वीट और क्यूट रहते, कि मेटाफेरेंजियल जॉइंट किधर है, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट किधर है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट किधर है, पर जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस देखोगे, रमेश बिल्डिंग पे खड़ा था, उसने एक बॉल पे की इतने वेलोसिटी से और इतने वेलोसिटी से ग्राउंड से इम्पैक्ट हुआ और बिल्डिंग की हाइट बताओ, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। लिटरली मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट जय माता दी टाइप सॉल्व किया है। माता दी ये माता दी भी। सो अभी जस्ट मेरा नहा के हुआ, अभी भी मैं बाहर से आता हूँ तभी गर्म पानी का शॉवर लेता हूँ, क्योंकि पता है आपको बाहर क्या चल रहा है, इसीलिए भी। चलो बहुत ज्यादा तगड़ी मजबूत वाली भूख लगी है, तो मैं अभी मेरे लिए बनाना चॉकलेट प्रोटीन मिल्क शेक बनाता हूँ, आज कुछ तो नया आप पियेंगे।
पहले लगा कि ये शेक इतना अच्छा नहीं बनेगा, पर पीने के बाद मेरे को पता चला कि ये शेक बहुत बेकार बना है। सो बनाना के साथ चॉकलेट मत ऐड करो, ये मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, मत करो। तो कल सुबह 4 बजे एक हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई। तो कंफर्म नहीं थी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, पर ऐसा ही कुछ था। सो ईशा और मम्मी बाहर सोते हैं हॉल में, क्योंकि बेडरूम में बहुत गर्म होता है, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बाहर ही सोते हैं। सो 4 बजे लाइट गई थी सुबह के, और जैसे लाइट गई तो कोई तो गेट जोर जोर से हिला रहा था, राइट। अरे इंसिडेंट मेरे को ईशा ने बताया, मैं तब इधर बेडरूम में सो रहा था, मेरे को ये पता नहीं था। मेरे को नेक्स्ट डे बताया ईशा ने कि जोर जोर से, बहुत जोर जोर से हिला रहा था कोई तो गेट, लाइट गई थी तभी। वैसे सब उठ गए, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और ईशा और मम्मी सब उठ गए, और मेरे दादाजी जोर से चिल्लाए कि कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, क्योंकि गेट हमारे बिल्डिंग का गेट है, हमारे बिल्डिंग का गेट हमारे घर के साइड में ही है। मेरे दादाजी उठकर चिल्लाने लगे कि कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी जोर जोर से आवाज आ रहा था, किसकी हिम्मत नहीं हुआ जाके देखने की कौन था। और लाइट आ गई तभी वो आवाज बंद हो गया, लाइक सीरियसली। और मैंने ईशा को बोला, मेरे को जगाने का था ना यार, मैं लिटरली वो ब्लॉग में लेता था यार, अभी ऐसा होगा ना कुछ तो मेरे को प्लीज उठा। और वो ये सब हो रहा है, मैं ब्लॉग में लेता। अब सोचो ना, ईशा मेरे को उठाती और मैं मस्त मोबाइल लेके शूट करता कि देखने के लिए कि कौन है वहाँ, और मैं ऐसा दिखा रहा कि रुको मैं आपको पहले वो गेट दिखाता हूँ, ये देखो ये गेट है वो। हाँ सो कहा था मैं, हाँ ईशा मेरे को उठाती और बोलती कि ऐसा कुछ हो रहा है, ब्लॉग करने जाता बाहर देखने के लिए कि कौन है वहाँ, और मैं इसे शूट करता हूँ, और तभी कुछ नहीं आता है उस ब्लॉग में, सिर्फ आवाज आता है ऐसा। आई एम मेकिंग अ स्टोरी या, और नेक्स्ट दिन वही क्लिप में वापस एडिट करने के लिए लेता हूँ, एडिट करता हूँ, और वो पार्ट आता है तभी मेरे को दिखते ही 4 छोटे लड़के वो जोर जोर से डोर हिला रहे, और साइड में कोई तो ऐसा व्हाइट ड्रेस में खड़ा है। तो क्या नेक्स्ट लेवल पट्टी में, लिटरली नेक्स्ट लेवल पट्टी में, इधर रहता ही नहीं, ये देखो कैसे चॉकलेट खा रही है, तो क्या ब्लॉग की तो इज्जत ही नहीं है यार। सो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपने ऐसे बहुत इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किए, आपने भी किए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मेरे को वो जानने क्या है वो इंसिडेंट्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यार इसका इंस्टा आईडी जाके फॉलो कीजिए, और ईशा को भी कीजिए। एंड यार दैट इज ऑल टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए इंसिडेंट्स। बाय, टेक केयर, टीटी वाइल्ड।